ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय है सुशासन के उपाय। भारत के मस्तक पर चंद्रमणि सा चमकता, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए सूर्योदय की आभा से प्रकाशित हो रहा है। आज ही के दिन एक वर्ष पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यहां के मूलभूत ढांचे में सुधार का बीड़ा उठाया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया ताकि लंबे समय से बाधित परियोजनाओं को लागू किया जा सके। सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती हैं। जम्मू कश्मीर में विकास का सपना साकार हो रहा है। सड़कों के बल पर ही विकास की गति निर्धारित होती है। आम जनजीवन के साथ साथ विकास की गतिविधियों के लिए सड़क मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इस दौरान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सड़क निर्माण और सड़कों का विस्तार शामिल है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं जिससे केंद्र शासित प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच की दूरी घटी है। इसी तरह श्रीनगर के सिटी सेंटर में रामबाग जहांगीर चौक फ्लाईओवर का काम पूरा कर इसे यहां के निवासियों को समर्पित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी जिसके पूरा होने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। पिछले साल श्रीनगर में जहांगीर चौक और रामबाग के बीच काफी समय से लंबित फ्लाईओवर परियोजना के उद्घाटन के बाद लोगों को अंततः फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर यातायात की भीड़ से छुटकारा मिला क्योंकि उन्हें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। हालांकि ये काफी उल्लेखनीय है कि श्रीनगर जिला प्रशासन के ठोस प्रयासों के साथ परियोजना पूरी हो गई और जनता के लिए खोल दी गई थी। प्रशासन के अथक प्रयासों को इस तथ्य के साथ देखा जा सकता है कि लगभग 60 स्लैब केवल 3 महीने के भीतर ही फ्लाईओवर के निर्माण में स्थापित किए गए थे जो काफी अभूतपूर्व था क्योंकि किसी भी फ्लाईओवर के निर्माण में इतने कम समय में ये संभव नहीं है। इस 2.4 किलोमीटर जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर के बीच यात्रा के समय को लगभग 45 मिनट से घटाकर 2.5 मिनट कर दिया है। यहां ये बताना उतना ही सार्थक है कि जम्मू संभाग के चिनैनी सुध महादेव रोड लिंक के अलावा जम्मू अखनूर फोर लेनिंग परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है और निकट भविष्य में इनको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर से मैं सुनील कोल। जम्मू कश्मीर में अटकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिससे निश्चय ही यहां के लोगों का वर्तमान और भविष्य उज्जवल होगा। सौभाग्य योजना के तहत 3,30,000 घरों को बिजली उपलब्ध कराई गई है और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर का हर घर बिजली की रोशनी से जगमगाए ये लक्ष्य है सरकार का। बांदीपोरा जिले में 3,030 मेगावाट की क्षमता वाली किशन गंगा पन बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई। ये योजना जम्मू कश्मीर में समृद्धि की लहर लेकर आई। पहले 10 महीनों में इस केंद्र शासित प्रदेश को 34.3 करोड़ रुपए की 85 मिलियन यूनिट मुफ्त बिजली मिली और पानी के उपयोग शुल्क के लिए 10.5 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना इस केंद्र शासित प्रदेश में पिछले एक वर्ष से सुचारू रूप से चल रही हैं। जम्मू और कश्मीर में सौभाग्य, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं ने 100% कवरेज हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन में जम्मू और कश्मीर काफी आगे है। मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 100% कवरेज हासिल किया है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास विशेष बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अनुपम मिश्र, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सर्वोच्च पुल बनाया जा रहा है जो वास्तुशिल्प का एक चमत्कार होगा। बनिहाल कटरा परियोजना के काम में तेजी लाई गई है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोना है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि इससे
अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और इस प्रदेश को आर्थिक संबल मिलेगा। प्रकृति ने जम्मू कश्मीर को भरपूर प्राकृतिक संपदा दी है। भारत के सिरमौर इस सुंदर प्रदेश ने विश्व परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थियों के कारण इसका आर्थिक विकास और किसी भी राष्ट्र की पूंजी युवा दिशा भ्रमित हुए, जिसका असर यहाँ के मूलभूत ढांचे पर पड़ा और विकास में गतिरोध आया। परंतु पिछले एक वर्ष में अलगाववादी विचारधारा और आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो ये संतोष और उत्साह का विषय है ही, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ यहाँ के निवासियों को हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर अब तक कश्मीर घाटी में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। पिछले वर्षों के मुकाबले में अभी तक इस वर्ष कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही और किसी भी हिंसक प्रदर्शन में किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। इससे ये बात साफ है कि घाटी के नौजवानों को इस बात का एहसास होने लगा है कि बेकार के झगड़ों में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस साल कुल मिलाकर छोटी मोटी 14 घटनाएं हुई है और ये संख्या भी पिछले वर्षों के मुकाबले में बहुत कम है। इससे भी ये साफ हो जाता है के द्वारा 370 हटने के बाद घाटी में एक बदलाव आया है। आज घाटी में पत्थर मारने की घटनाएं नहीं हो रही हैं और घाटी का नौजवान आईएएस और अन्य परीक्षाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर रहा है। जम्मू से आरके रैना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि की तरह खंड विकास निधि के सृजन को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक खंड विकास परिषद के अध्यक्षों के लिए 25 लाख रुपए निर्धारित किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल स्थानीय खंड विकास कार्यों के लिए होगा। खंड विकास परिषद के अध्यक्ष स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं। अन्नदाता सुखी भवः, इस मंत्र के साथ केंद्र सरकार अंतिम छोर तक किसानों के विकास के लिए प्रयत्नशील है, ताकि उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम मिले और उनका जीवन स्तर उन्नत हो। जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले साल एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कश्मीर घाटी में सेब उत्पादकों के लिए एक अनूठी बाजार हस्तक्षेप योजना पिछले साल सितंबर के महीने में पहली बार शुरू की गई थी, क्योंकि सरकार कश्मीर के सेब उत्पादकों को उनके सेब के बगीचों से लेकर देश के विभिन्न बाजारों तक हर संभव सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहती थी। इस योजना ने सेब उत्पादकों को उनके सेब की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी आश्वासन दिया। कश्मीर में सेब का व्यापार हर वर्ष 8,000 करोड़ रुपए होने के कारण इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7 लाख परिवारों की आय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड द्वारा सेब उत्पादकों को सेब के विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिक पारिश्रमिक मिला था और उनकी फसल को संकट से बचाने के लिए नेफेड द्वारा भरपूर मदद मिली थी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कश्मीर में सेब उत्पादकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल मार्च के महीने तक कश्मीर घाटी के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को बढ़ा दिया था। श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर इलाके की केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। हाल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में उगाई जाने वाली केसर के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर को प्रमाण पत्र के साथ विश्व मानचित्र पर लाने की दिशा में पहला प्रमुख कदम है। जीआई टैग मिल जाने के बाद निर्यात बाजार में कश्मीर की केसर का महत्व बढ़ जाएगा और इससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी हासिल कर सकेंगे। कश्मीर के कृषि निदेशक अल्ताफ एजाज अंदराबी ने हमारे श्रीनगर संवाददाता को बताया। एक तो अपनी आइडेंटिटी हम मेंटेन कर पाएंगे, नंबर टू दे विल बी हैविंग इट्स ओन प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड मार्केट और नेशनल मार्केट, नंबर थ्री फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल जाएगा और एम्पावरमेंट उनको फाइनेंशियल इंक्लूसिव उनको मिल पाएगी, जो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट की यही उम्मीद है कि अपने फार्मर को हम कैसे एम्पावर करेंगे और हम अपने फार्मर को कैसे बेनिफिट दिलाएंगे ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और डायरेक्ट बेनिफिट चला जाए फार्मर को ही, जिससे उसकी खुद मुख्तारी आत्मनिर्भर जिसको हम कहते हैं हम उनको दे पाए। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और शिक्षा प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ शिक्षा के मूलभूत ढांचे में क्षमता निर्माण भी प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में शामिल है। अनूठी प्रवासी जीवन शैली जीने वाले गुज्जर और बक्कर वालों के बच्चों को
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1417 मौसमवार केंद्र स्थापित किए गए हैं। लड़कियों के छात्रावास के साथ 88 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संचालन योग्य बनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में 50 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों को शैक्षिक सुविधा की पहुंच और समानता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय विद्यालयों के अनुरूप 19 नए मॉडर्न स्कूलों को 3 साल में विकसित किया जाएगा। कोविड के पश्चात के परिदृश्य में ई सामग्री वितरित करने के लिए स्मार्ट आईडी सक्षम कक्षाओं में सुविधाएं दी गई हैं। और अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख 7 दशक पुराने अपने सपने के साकार होने की आज पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष आज के ही दिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। लद्दाख के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने 5,958 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। लोगों में विश्वास की भावना को बल देने के लिए पाकिस्तान और चीन से सटे इलाकों में रक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लद्दाख और करगिल जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इन सौर पैनलों के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कुल 23,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना तैयार कर रहा है, जिसके पहले चरण में 7,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लद्दाख में पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसमें बौद्ध शिक्षा सेंटर भी होगा। इससे उच्च शिक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर लगभग 10,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। श्रीनगर NIT में स्नातक की 5% सीटें लद्दाखी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। दुनिया के सूखे ठंडे रेगिस्तान के रूप में प्रसिद्ध लद्दाख में हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लद्दाख को कार्बन मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रण लिया है। ढांचागत सुविधाओं के लिए सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड 15 महीने की अवधि में कर्नल छेवांग रिंचेन पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। नुब्रा घाटी के रोंगडो इलाके में शयोक नदी पर 82 मीटर लंबे स्पैन पुल को बनाया गया है। लद्दाख के लिए लद्दाख 2050 नामक एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की योजना तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए व्यावसायिक संस्थानों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्यार्थियों की आरक्षण की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। लद्दाख में व्यावसायिक संस्थान नहीं होने के मद्देनजर और भारत सरकार की सलाहकार समिति के परामर्श पर जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए 4% आरक्षण का निर्णय लिया गया। आइए अब सुनते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. Mathur से आकाशवाणी संवाददाता रमेश चंद्र की बातचीत। In the northern frontiers of Himalayas, the Ladakh is the brightest spot on Indian map. On 5th of August, to make the dreams of Ladakhis a reality, Union government made an announcement of awarding Ladakh Union Territory status. Can you tell us, sir, what were the challenges from the beginning of Ladakh Union Territory status until now? Namaskar. First, I must thank for giving me this opportunity of reaching all my Ladakhi brothers and sisters, as well as the other parts of the country and the world. First, I must say that the date of 5th August 2019 is historic. Ladakh has launched into a new historic journey altogether. These are the times when a state, an area, goes on a totally new path, determining their own future in a very different way from where the past was leading. I congratulate all of the Ladakhis on this occasion. Insofar as the administration is concerned, the first thing that I must say is that this is a great challenge. This is a great honor to try and live up to that challenge. Our journey for Ladakh, which as you rightly said, is actually the crown of the country, is to make it not only the geographical crown, but also the crown of the country in every sense possible. I am happy to inform that
during this last winter, I feel give slightly better services to the people of Ladakh. These services include better power supply, better water supply. We brought in about over 400 metric tons of fresh vegetables, a rare commodity during winters, as well as other essential commodities. We introduced helicopter services through Air Force to evacuate the passengers or the patients from different remote areas. We also moved a large number of passengers from Kargil particularly, and also from Leh, because they had no other connectivity, particularly Kargil, but for the Indian Air Force service. Insofar as road connectivity is concerned, I am happy to say that we tried to take steps to connect Zojila Pass, that is connection to Srinagar, as well as the road to Manali as early as possible. The Border Road Organization came up very well, and this year we were able to open the two passes almost 1 month earlier than the normal past trend. This must have given some benefits to the local people. So what are the achievements we have so far reached as Union Territory Ladakh Administration in the last 1 year? To be precisely, it's 9 months. The expectation of the people is that this administration should be able to give better performance, better results during this period which is coming forward for us. There are also, I have seen, certain apprehensions. People talk of availability of jobs for the local population. They talk of protection of environment. They talk in terms of fear of inundation of outsiders and therefore the need to protect the land. Today, I would like to assure every person from Ladakh that their concerns are very well understood, that the administration is fully prepared and determined to come up to their expectations in terms of the facilities, in terms of protections that they strive for. As we all know that when it became a functioning Union Territory, we were already in the midst of a Ladakh winter, and unfortunately, as soon as the winters were over, we got into the COVID, the Corona pandemic, which is still continuing. Therefore, the time available with this administration for actual groundwork has been limited. However, to answer the query raised by you, I would say that the first thing that we started was to open up and start activities in terms of agriculture, which was extremely important for the entire Union Territory. I'm happy to say that this year, compared to the previous years, the area under cultivation has gone up by almost 20%. The other interesting thing which we were able to achieve was greater care for the Pashmina goats, particularly in the Changthang region. Our latest survey has indicated the population of Pashmina goat has increased by as much as 6%, partly result of weather, partly result of efforts put in by administration in terms of giving them much better medical facilities than in the previous years. I am proud to say that Krishi Vigyan Kendra, Nyoma, which looks after Changthang area, has been adjudged the best KVK in the northern region by Indian Council of Agriculture Research. As we all know, in the J&K Reorganization Act of 2019, a commitment was made, and this is altogether a new thing. I don't remember an act which makes such commitments, that Ladakh shall be given a special development package. And the Union government has honored that commitment. In the first year itself, a budgetary allocation of about 5,200 crores was made. And in the current financial year, Government of India has made an allocation of almost 5,900 crore rupees. This is the sort of funding which has never come to this Union Territory. And I am sure that this funding, which ultimately would be non-lapsable in nature, would go a long way in improving particularly the infrastructure, the higher education, the income-generating sectors of Ladakh. Government of India also took steps to introduce several new institutions. I would list some of them. A new medical college, a new engineering college in Kargil, G.B. Pant Institute of Mountain Studies, a new national center for training. The center is actually an extension branch. National Institute of Sowa Rigpa. These are some of the institutions. Institute of Hotel Management, which has been sanctioned. An Institute of Mountain Studies, which is being talked of. A central university, which has recently been announced.
So a large number of institutions of higher studies have been announced and they will surely come on the ground in due course. Many other similar activities have been approved by the Government of India, which include sanctions for making both Kargil and Leh as smart cities, which would, for a place which attracts a lot of tourists, it would make this place a much better destination for people. Special package which is given to Ladakh region, which is, as you said, is enormous and unprecedented. How UT Union Territory Administration is planning to spend this for the concrete development of Ladakh region? Honorable Home Minister had announced that this package would amount to about rupees 50,000 crores. This is a phenomenal amount, and I am sure that with this amount, which, as I said earlier, would be non-lapsable in nature, the Union Territory Administration proposes to focus very substantially on infrastructure development, higher education development, and development in the field of economic activities. Let me give some examples. On the infrastructure side, we would talk in terms of the different tunnels. It may be Khardungla, it may be Changla, it may be Fotula, it may be Namkila, it may be several other small passes which make our lives difficult, which makes many areas inaccessible. But with this, I'm sure that lives of people would definitely improve. For these developmental activities around the Leh Ladakh area, and administration might have identified certain priority sectors, infrastructure areas. Are there any other priority sectors, power supply, schools, like this? Let me talk of some other areas which I expect special development package to cover. One area, as you rightly said, would be the transmission line. Today, every household in Ladakh aspires not just for a local grid in terms of solar power, it aspires for a proper grid connectivity with the northern grid. This is, considering the large area of Ladakh, a very expensive and a time-consuming proposition. However, as part of the special development package, a decision has been taken to strengthen the entire transmission network to reach as many homes as becomes possible for the government to do. Similarly, the efforts shall be in terms of improving the higher education. As we know, a new Union Territory controlled Ladakh University has already come into existence and has become functional. Now, the endeavor would be that this university not only gives the courses which are normally given by a university, but also tries to give courses which are much more relevant for the needs of Ladakh. These may include mountain studies, it may include hospitality management, it may mean environment studies for the glaciers as well as for the unique geological features which Ladakh possesses. Another important area under SDP shall be development of the primary sector, which includes not only agriculture but areas like apricot, apples, that is horticulture. It would include medicinal and aromatic plant. It would include processing of the produce of these fruits. This, I feel, is a very important activity which gives an alternative to tourism sector in Ladakh, and we intend to work on that. In the same manner, Pashmina goat and the world famous Pashmina wool, which is really the heritage of Ladakh, is something on which we would work on from end to end, that is looking after the welfare and well-being of the Pashmina goat and right up to producing final products of Pashmina. This is something which a lot of young entrepreneurs of Ladakh have already started doing, and it would be our endeavor to facilitate and deepen their efforts. Sir, how you are going to support as Union Territory Ladakh administration the grassroots level administration? Well, I think Ladakh has become a huge administrative experiment and a huge administrative challenge also. The empowering and substantial strengthening by law of the two Ladakh Autonomous Hill Development Councils in Leh and Kargil through an amendment which was actually done in 2018 but which was again vetted and approved by the parliament of this country. The third administrative change which has taken place is elections at the panchayat level, both for the blocks as well as the villages. And therefore, one can imagine that from the LG office to the Gram Panchayat, a whole new administrative structure
has come into being in Ladakh, the challenges are tremendous. Who is to do what? How would you do it? These are the things which are exercising the minds of the people. The panchayat people come to me and say that, what am I supposed to do? How do I do Manrega programs? How do I do 14 finance commission programs? How do I do electronic signatures? These are the challenges. A large number of BDC chairmen were sent out for training to National Institute of Rural Development in Hyderabad. They have come back somewhat richer. We have organized local trainings, for example, to teach them how to do electronic signature to be able to draw money. It is a challenge for the councils to spend. And the administration, other than training, in fact, both the councils were sent on training programs to other parts of the country to see the functionings of the Zila Parishads, other councils, etc. We have been trying to strengthen their setup also. We have recruited as many as 199 engineers so that the blocks can function better. We have tried to put maximum possible number of BDOs in position. We are trying to take steps to put accounts assistants in the blocks. Unless and until the two councils are strengthened in terms of their ability to implement projects on the ground, this increased budgetary allocations, spending that would remain a challenge. The administration is determined to hold hands and work together with the councils to ensure that whatever bigger benefits are coming, they are able to provide it to the people of Ladakh. So if we look at to reach the development or progress to the villages, how you are making best of these two organizations and the national highways also? Under special development package, we are already getting funds under Government of India schemes, namely PMGSY for the village roads, CRF for major roads. CRF, in fact, a major project which has been sanctioned is a road between Kargil and Padam, which I hope would be an all-weather road. This is something on which work has already started. The bigger problem is that the roads which have already been constructed, almost 3,000 to 4,000 kilometers of roads, are not blacktopped. This is something which we need to address. Similarly, a large number of village roads have been made under Manrega program, etc. Now, these have remained kaccha, but they are extremely important for the villagers. Now, this is the category of roads which we hope under the special development package we would be blacktopping. So, it would imply that starting from national highways to important roads within the state and also the village roads, at all three levels, we would be trying to provide much better quality of road. It is obvious that this large amount of fund and this large amount of work which is available to us cannot be done by the state PWD alone. The Union Territory Administration, in consultation with PWD, has decided that we would try to engage as many agencies as possible to take up this work. This may include CPWD, this may include NHIDCL, it may include VRO, it may include NBCC, and so on. These are the central government agencies which are available. CPWD has already posted a chief engineer here. Similarly, other organizations have already posted some of their staff. We are hoping that by distributing work among all of these agencies, this large volume of work and the fund available with us, we would be able to do much more work than what would have normally happened in Ladakh. अभी आप सुन रहे थे लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर से आकाशवाणी संवाददाता रमेश चंद्र की बातचीत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आशा है कि जल्द ही यहाँ का जनजीवन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन से समृद्ध होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर ये विशेष अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय था सुशासन के उपाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।